एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीता। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे और हम निकल चुके हैं वॉक पे। तो अब मैं पहुंचने वाली हूं रेलवे ग्राउंड। प्लेग्राउंड से और ये है यहाँ की सब्जी मंडी। अभी के लिए तो सब्जियाँ हैं, सब्जी लेने किसी और दिन आ जाएंगे। टमाटर 1.5 किलो आ गया, टमाटर 20 का 1.5 किलो आ गया। तो सब्जी मंडी में हमें मिल गए थे हमारे घर के सेलिब्रिटी राकेश जी। वो सब्जी ला रहे थे तो उनका सुबह वॉक नहीं हुआ था, तो वो वॉक करके आएंगे और हम घर रिटर्न हो रहे हैं गाड़ी पे। चुकी हूँ वापस घर और ये मम्मी जो हम सब्जी मंडी से लाए हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी ने दिया, सेम वही छीलते हैं। मम्मी अब हो जाएंगे सेम। ओके, तो आज बनने वाला है नाश्ते में सूजी। उसके लिए मैंने लिया है इस कप से 1 कप रवा और पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सरसों और ये इसमें डांस करने लगेंगे। तो नेक्स्ट मैं डालूंगी जीरा और उसके बाद उपमा के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली स्लाइटली फ्राई करना है। उसके बाद डाल रही हूँ ऑनियन तो, बहुत लोगों को यूजुअली उपमा में गाजर पसंद नहीं है लेकिन मुझे तो पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत तो गाजर डाल दिया। थोड़ी देर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो बाकी वेजिटेबल्स जो है उसमें ऐड कर देंगे। ऑनियंस तो फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी गाजर और मटर। तो मैं अभी इसको स्लो कर देती हूँ।
तब तक चल के देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मम्मी? धनिया बना रही हूँ। अरे वाह, फ्रेश फ्रेश धनिया है, देखिए इतने सारा धनिया। मम्मी खराब नहीं होता है क्या? सुखाऊंगी। ओके, गर्मी में काम नहीं आएगा। ओके, ये सुखा के आप रख दोगे क्या मम्मी? हाँ। कैसे सुखाते हो इसको? इसको घामा में सूख में। ओके, तो इसको सुखा के रखने से लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, मम्मी का ट्रिक। तो मेडिस भी ऑलमोस्ट डन है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर। बहुत थोड़ा ही डालना है नहीं तो तीखा हो जाएगा। और नेक्स्ट तो मैंने इस कप से एक कप सूजी लिया था, तो मैं अभी लूंगी इस कप से 2 कप वाटर। थोड़ा थोड़ा करके चलाते हुए, वरना एक जगह ये पकड़ लेता है तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रवा डालने के बाद इसको हमें एटलीस्ट 3 मिनट्स तक चलाते रहना है, वरना ये अंदर ही अंदर पकड़ लेता है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। क्या मम्मी? मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी। मैं इसमें धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में धनिया मैं उतना ज्यादा कोई पसंद नहीं करता। इसके बाद हम इसको चला लेंगे। और इसमें हमने घी डाला है तो थोड़ी देर के लिए हम स्लो करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। हो चुका है रात, तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर प्रिपेयर करने। डिनर में आज बनेगा आलू और ब्रेड का पकोड़ा। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे चोखा। उसके लिए मैंने वेजीज काट दिया है, मटर, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से रेड चिली है और ये ऑनियन। से पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है और अब मैं डाल देती हूँ ग्रीन चिली। नेक्स्ट मैं डालती हूँ ऑनियन। मैं इस ऑनियन पे थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से ऑनियन थोड़ा जल्दी कुक हो जाते हैं, थोड़ा सा नमक डालना है।